हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ड ऑन सी एफ एंड पी आई, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल। मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स ई टू पावर एक्स साइन एक्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन। सो पहला स्टेप, गिवन इक्वेशन इन सिम्बोलिक फॉर्म। तो पहले इसको क्या करेंगे, सिम्बोलिक फॉर्म में लिख लेंगे जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। तो क्या है इसकी सिंबॉलिक फॉर्म, इज दैट इज नथिंग बट डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स ई टू पावर एक्स साइन एक्स। और हमेशा बताएंगे वेयर वेयर डी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, राइट? देयरफॉर इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, दिस इज नथिंग बट डी माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। सो वट इट विल गिव, दिस विल गिव यू डी इक्वल्स टू वन कॉमा वन। दो रूट देगा, दोनों के दोनों कैसे देगा, इक्वल देगा, ठीक है? इक्वल रूट केस टू में आ गया। देयर फोर सी एफ, सी एफ कैसे होगा इसका, दैट इज सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ए टू पावर एक्स। तो हम चलते हैं इसके पी आई पर। तो पी आई क्या होगा, देयर फोर पी आई इज इक्वल्स टू दैट इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज वन अपॉन एफ डी। सो एफ डी मैंने लिख लिया कितना, दैट इज डी माइनस वन होल स्क्वायर इंटू योर राइट साइड इज एक्स ए टू द पावर एक्स साइन एक्स, राइट? तो मैं इसको ऑपरेट करा लेता हूँ, केस नंबर फोर में चले जाइए, ई टू पावर ए एक्स इंटू वी। जब मैं इसको ऑपरेट करा लूँगा तो ये तो आ जाएगा मेरा साइड में, लेफ्ट साइड थोड़ा सा, और डी की जगह पर हम लोग क्या रिप्लेस कर लेंगे, इसका कोफिशिएंट कितना है वन, तो डी की जगह पर आएगा डी प्लस वन माइनस वन स्क्वायर, राइट? अगर यहाँ टू होता तो डी की जगह डी प्लस टू लिखता, ठीक? इंटू क्या बच गया आपके पास, एक्स साइन एक्स, राइट? तो इसके लिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, वन से वन आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट ई टू द पावर एक्स इंटू वन से वन कैंसिल, दिस इज वन बाय डी स्क्वायर इंटू एक्स साइन एक्स, ठीक है? तो वन बाय डी स्क्वायर एक्स साइन एक्स आ गया। तो वन बाय डी स्क्वायर का मतलब, वन बाय डी मैंने आपको बताया था इन्वर्स ऑपरेटर हो गया, डी का मतलब डिफरेंशिएशन, तो वन बाय डी मतलब इंटीग्रेशन। तो दो बार अगर डी स्क्वायर तो इसका मतलब इसको हमें कितनी बार, दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जब एक बार करेंगे तो पहले इसको ऑपरेट हटाएंगे, ई टू पावर एक्स वन बाय डी, एक बार मैंने इसको ऑपरेट कराया तो डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते, तो ऐसे लिख लीजिए एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो अब इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? तो इंटीग्रेशन के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, आपके जो 1 बाई डी का जो इंटीग्रेशन था वहां पर, इंटीग्रेशन को मैंने क्या जनरलाइज फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन लगा दिया, दैट इज एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कॉस एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स दैट इज 1 माइनस साइन एज इट इज, और कॉस का फर्दर इंटीग्रेशन दैट इज साइन एक्स। इसके बाद जब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, इसलिए आगे के टर्म्स नहीं आया है। तो यहां से अब इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज वन बाई डी, राइट? सो ई टू पावर इंटू एक्स दैट इज वन बाई डी, तो कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस साइन एक्स, राइट? तो अब आपके साथ में एक समस्या ये कि अभी वन बाई डी बचा हुआ है, तो अभी एक बार और इंटीग्रेशन आपको करना है, तो इसको एक बार और कर लेंगे ई टू पावर एक्स। अब मैं साइन यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है? तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के लिए पहले मैंने माइनस साइन हटा दिया यहाँ से, ठीक है? तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया आपका एक्स, ठीक है? कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल गिव यू साइन एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया वन, साइन का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कॉस एक्स, ठीक है? इसका आगे फर्दर करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये मेरा पार्ट इतना खत्म हो गया। इसका इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज माइनस कॉस एक्स, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ। सो ई टू पावर एक्स क्या जाएगा, दिस इज माइनस एक्स साइन एक्स, ये सिर्फ इसके लिए माइनस, पूरे के लिए माइनस, प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस कॉस एक्स,
ठीक है, और एक माइनस कॉस एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट कोई दिक्कत? सो दिस इज नथिंग बट ई टू द पावर एक्स इंटू दैट इज माइनस एक्स साइन एक्स, और माइनस कितना हो गया, दैट इज टू कॉस एक्स। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पी आई, राइट? इतना समझ में आ गया होगा। सो दिस विल गिव यू नाउ, देयर फोर अब क्या निकालना है आपको, कंप्लीट सॉल्यूशन। दस वाई इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सो स्टूडेंट इसको आप सी एफ पी आई को ऐड कर लीजिए। सो सी एफ क्या था आपका, दैट इज सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, और पी आई क्या है, दैट इज ई टू द पावर। अब चाहो तो देखो इसमें से आप माइनस कॉमन भी निकाल के ले सकते हो, वैसे भी रख सकते हो, और ऐसे भी रखोगे तब भी कोई गलत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस अगर आएगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे। सो दिस विल गिव यू ई टू द पावर एक्स, और ये हो जाएगा आपका एक्स साइन एक्स, राइट, और प्लस टू कॉस एक्स इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन। और मैंने जो यहाँ पर आपको बताया था कि जनरलाइज्ड फॉर्मूला लगाया मैंने इंटीग्रेशन का, अगर चाहो तो आप उसको भी लिख सकते हो यहाँ पर कि वो है क्या बेसिकली, दैट इज यू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, तो ये आएगा सफिक्स में वी वन, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ यू दैट इज यू डैश, और वी वन का फिर से इंटीग्रेशन तो मैंने बोल दिया वी टू, फिर प्लस आएगा और इसका फिर फर्दर डिफरेंशिएशन दैट इज यू डबल डैश, इसका फिर से इंटीग्रेशन दैट इज वी थ्री, और ये चलता जाएगा सो ऑन। तो ये फॉर्मूला होता है जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। ये हम लोग कब यूज करते हैं ये भी मैं बता रहा हूँ, जब तक आपके पास में एक्स टू द पावर एम पावर टाइप नहीं होगी, जैसे इसमें है एक्स, है एक्स की पावर कुछ भी रहेगी, जब तक ऐसा नहीं रहेगा तब तक आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसको यूज़ करने का फ़ायदा सिर्फ तभी है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो सकता है, बाकी अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तब आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो इसके लिए सिर्फ इतना से फंडा है, ये बता दिया मैंने, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।